उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी ने अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है। पंडरिया से भावना बोहरा को अपना उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। बीजेपी ने पहली सूची 21 प्रत्याशियों की जारी की थी, तो बता दें 86 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें रायपुर से, जहां पर बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। तीसरी सूची में एक नाम को शामिल किया है, पंडरिया से भावना बोहरा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, और बीजेपी ने पहली सूची 21 प्रत्याशियों की जारी की थी, दूसरी सूची 64 प्रत्याशियों की जारी की थी और 86 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें रायपुर से, जहां पर बीजेपी की तीसरी सूची जारी हो चुकी है। तीसरी सूची में बीजेपी ने सिर्फ एक नाम को भी जारी किया है। बता दें कि पटरिया से भावना बोहरा को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। भाजपा ने पहली सूची 21 प्रत्याशियों की जारी की थी और बीजेपी ने पहली सूची में 21 प्रत्याशियों का नामों का ऐलान किया था। दूसरी सूची में बीजेपी ने 64 उम्मीदवारों की घोषणा की थी और अभी तक बीजेपी 86 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है और 4 सीटें फिलहाल अभी भी बाकी है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता दें, जहां पर बीजेपी ने तीसरी सूची जारी कर दी है। पंडरिया से भावना बोहरा को उम्मीदवार बनाया गया है।